जब फालतू वो बीच सड़क चक्कर आ जाते हैं और वो भगवान भोलेनाथ की यात्रा के बीच बेहोश हो जाते हैं, तो कुछ साधु कहते हैं कि इसे आश्रम ले जाना होगा, इसका सही इलाज वहीं पर हो पाएगा। उस तरफ आयन कहता है कि माँ मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, फालतू की सही हर जगह मेरा पीछा कर रही है, मैं कहीं खुले स्थान पर रहना चाहता हूँ। तो उगादी का बेटा यह ब्रेक तेरे फालतू के बीच के रिश्तों की सारी दीवारों को तोड़ दे। फिर आयन कहता है कि नहीं दादी, अब मेरे और फालतू के रिश्तों के बीच सिर्फ दूरियाँ हैं, कोई नज़दीकियाँ नहीं। और उधर जब साधु अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज जब इसे होश आने पर इसके घर वालों का पता चलेगा, तो गुरु कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसके घर वाले इसे ढूंढ रहे होंगे, क्या फालतू और आयन उस आश्रम के जरिए एक बार फिर से मिल पाएंगे।